कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो माते संगोस्तवि कर्मणि। सत्य मार्ग का पथिक अकेला रह जाए, कोई उसके साथ चलने को तैयार ना हो, यह कोई अनोखी घटना नहीं है। ऐसा बार बार होता रहा है, बार बार होता रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पथिक साहस तो नहीं हारता, दिल छोटा तो नहीं करता, और सत्य पर इतना विश्वास करता है कि अंत में विजय सत्य की ही होती है। परशुराम आज अकेला है, पिता से मतभेद हो चुका है, साथी साथ नहीं दे सकते, पर वो जानता है कि वो सत्य पर है और एक नारी की सहानुभूति उसके साथ है। जीवन संग्राम में ये शक्तियां कुछ कम नहीं होती। मैं परशुराम के संघर्ष और अनामिका की प्रेरणा को बहुत ध्यान से देख रही हूं। अनामिका, अनामिका, अनामिका दिखाई नहीं दे रही है, कहां गई वो? जी तुम्हारा मौन बहुत कुछ कह रहा है देवी। मैं जानता हूं अनामिका परशुराम से मिलने गई है, क्योंकि केवल अनामिका को ज्ञात है कि परशुराम कहां है और किस वन में है। यदि जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूं कि अनामिका मेरे मित्र प्रियव्रत की पुत्री है और उसकी देखभाल के लिए हम दोनों ही उत्तरदायी हैं। परशुराम भी हमारा ही पुत्र है। मेरा यह अर्थ नहीं था रेणुका, मैं कुछ और कहना चाहता था। अनामिका बहुत ही कोमल और भावुक कन्या है, मैं जानता हूं कि वो आपको बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, परंतु पुत्र परशुराम ने जिस पथ पर पग धर दिया है ना रेणुका, वो कांटों से भरी है। अपनी कोमलता के कारण अनामिका उस पद पर परशुराम के साथ नहीं चल पाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे परम मित्र की पुत्री भावुकता के वेग में कोई अनुचित निर्णय ले ले, मैं उसे रोकना चाहता हूं रेणुका। अब बहुत देर हो चुकी है गुरुवर, मैं निर्णय ले चुकी हूं। क्या निर्णय ले लिया तुमने? कांटों भरे पद पर आपके पुत्र राम का साथ देने का,
उनके साथ चलने का। क्या तुम वही कहना चाहती हो जो मैं समझ रही हूँ? हाँ माताश्री, मैंने आपके पुत्र राम से गंधर्व विवाह कर लिया है। क्या? हाँ पिताश्री, मैंने जीवन के हर पद पर आपके पुत्र का साथ निभाने की सौगंध ले ली है, और अब यदि आप मुझे रोकने का प्रयत्न करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि आप मुझे अपने धर्म निर्वाह से रोक रहे हैं। तुमने बहुत ही कठिन डगर चुनी है, किंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद ही दूंगी, क्योंकि मैं अपने राम को अच्छी तरह जानती हूं। तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे अभियान को सफल बनाने के लिए यदि मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा तो तुम बुरा मत मानना। परंतु इतना बड़ा झूठ कि हमने विवाह कर लिया है। तुम्हारे लिए झूठ हो सकता है, किंतु मेरे लिए ये अधिक से अधिक अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य? मैं समझा नहीं। विवाह केवल एक रीति का नाम तो नहीं, ये दो व्यक्तियों के एक दूसरे को चाहने, अपनाने और स्नेह के बंधन में बंध जाने का नाम भी तो है। तुम क्या कह रही हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इससे तुम्हारे अर्ध सत्य का क्या संबंध है? राम, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैंने तुमको अपने मन में बसा लिया है, मन ही मन मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। इसलिए मैंने जो कुछ भी तुम्हारे माता पिता से कहा वो मेरे लिए झूठ नहीं, वो मेरे लिए अर्ध सत्य है। अनामिका, यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं, यदि अब तक जो मैंने तुम्हारे नेत्रों में अपने लिए देखा है वो सब झूठ है, तो कह दो, मैं मान जाऊंगी। अब तक मैंने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द झूठा था। हाँ, झूठा था, झूठा था। अनामिका, अनामिका तुम अच्छी हो, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, पर तब मैंने तुमसे एक और बात कही थी कि मुझसे कभी कोई ऐसी आस न लगा बैठना जिसे पूरा करना मेरे वश में ना हो। अनामिका, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो एक अभियान हूं, और जिस दिन यह अभियान समाप्त हो जाएगा उसी दिन मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। तो फिर सुनो, मैं तुम्हारे अभियान की प्रेरणा बनकर रहूंगी। अभियान समाप्त होता है तो प्रेरणा अपने आप समाप्त हो जाती है। उठो मित्रों, उठो, उठो मित्रों। क्या हुआ मित्र सोम, क्यों हम सबको उठाकर बिठा दिया? महर्षि वशिष्ठ की शिष्या और आचार्य प्रिय व्रत की पुत्री अनामिका आप सबसे मिलना चाहती है। हम सबसे मिलना चाहती है और इस समय? हाँ, कहती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती है। तब तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। चलो मित्रों, चलो। राम देवी,
प्रणाम बंधुओं, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इस समय जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, क्या आप सब उससे अवगत हैं? क्या आप जानते हैं कि हमसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छीना जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि है क्षत्रियों ने सहस्र अर्जुन की अगुवाई में कैसा उपद्रव मचा रखा है? हाँ देवी, हम जानते हैं कि है क्षत्रियों ने भार्गव समाज के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। केवल भार्गव समाज के विरुद्ध नहीं, समस्त शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध, आश्रम संस्कृति के विरुद्ध, ऋषि वर्ग के विरुद्ध। इस समय केवल एक वर्ग का नहीं, सभी का भविष्य संकट में है, और इस संकट की घड़ी का सामना करना क्या हमारा तुम्हारा धर्म नहीं? अवश्य है देवी, किंतु हम शिक्षार्थी कर ही क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हो। क्या तुमने जब दग्नी पुत्र परशुराम का नाम सुना है? हाँ, सुना है देवी, वे तो परम वीर हैं। वे भी आप लोगों की भांति ही शिक्षार्थी थे, किंतु जब समय ने उनके हाथ से पुस्तक छीनकर शस्त्र दे दिया, तो उन्होंने दुष्ट सहस्र अर्जुन के अत्याचार को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली। वे महावीर हैं, किंतु अकेले हैं। इस समय उन्हें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। यदि परशुराम को आप लोगों का सहयोग मिल जाए, यदि आप लोग इस अन्याय के विरुद्ध इस संघर्ष में उनका साथ दें, तो हम ये युद्ध अवश्य जीतेंगे, और इस युद्ध को जीतना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नितांत अनिवार्य है। बोलिए, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? कहा है परशुराम देवी, हम अभी इसी समय उनसे मिलने को तैयार हैं। तो फिर आइए, चलिए मेरे साथ। वृष्टि और मंथर कहां चले गए? वो लोग जहां गए हैं, अब तुम्हें भी वहीं जाना होगा। Thank you.
ये सारा धन आश्रमों से लूटा गया है। कल भोर होने से पहले ये सब उन्हीं आश्रमों को लौटा दो जहां से ये लूटा गया है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। परशुराम के अतिरिक्त किसी को इतना साहस नहीं कि शस्त्र अर्जुन का कोष लूट सके। हमारी शक्ति को ललकार रहा है। यदि उसे तनिक भी ढील दी गई तो पानी सर के ऊपर हो जाएगा। परशुराम का अंतवचक है। कठिनाई तो यह है महाराज कि कोई नहीं जानता कि अपने पिता ऋषि जमदग्नि से मतभेद के बाद परशुराम कहां जाकर छुप गया। सर ऋषि जमदग्नि भी नहीं जानते कि उनका पुत्र कहां है। आपको पूरा विश्वास है कि ऋषि जमदग्नि झूठ नहीं बोल रहे। मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि परशुराम आश्रम छोड़कर जा चुका है। परंतु यह कैसे संभव है कि एक पिता को ज्ञात ना हो कि पुत्र कहां है। मैं मुख की मुद्रा और नेत्रों के भाव देखकर जान लेता हूं महाराज कि कोई झूठ बोल रहा है या सत्य। और जब ऋषि जमदग्नि कह रहे थे कि उनके पुत्र और उनका मार्ग अलग हो चुका है तो उनके नेत्र उनकी वाणी का साथ दे रहे थे। अर्थात पिता नहीं जानता कि पुत्र कहां है और क्या कर रहा है। यह संभव है महाराज कि पिता को पुत्र के विषय में ज्ञात ना हो कि वो कहां है। परंतु यह असंभव है कि माता को भी ज्ञात ना हो कि उसका पुत्र कहां है। तुम्हारी बात में तथ्य लगता है पुत्र, परंतु हमें करना क्या चाहिए। पिताश्री, हमको देवी रेणुका पर दबाव डालना चाहिए कि वो अपने पुत्र का पता बताए। क्या ये उचित होगा? पिताश्री, मेरे विचार में ये सर्वथा अनुचित है। मेरा अनुभव भी यही कहता है। पिताश्री, मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया है। क्या? क्यों ना हम चारों जमदग्नि के आश्रम में जाएं और देवी रेणुका से पूछने का प्रयत्न करें कि परशुराम कहां छिपा है। नहीं पुत्र, ये मूर्खता होगी। तुम चारों पहचान लिए जाओगे और देवी रेणुका कुछ नहीं बताएगी। पिताश्री, हम राजकुमारों के रूप में नहीं जाएंगे, वेश बदल कर जाएंगे, कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। जी पिताश्री, मुझे भी इस योजना में बल दिखाई देता है। पिताश्री, मैं भी भ्रांताश्री से सहमत हूं। मुझे भी इस योजना में सफलता दिखाई देती है। तुम चारों को मेरी ओर से अनुमति है, परंतु पुत्र यह कार्य बहुत सतर्क और सचेत होकर करना पड़ेगा। जय हो आपकी माता।
आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? माता, ब्राह्मण विद्यार्थी हैं, मार्ग भटक गए हैं और भूखे भी हैं। अतिथिगण, आप ना तो ब्राह्मण हैं और ना ही विद्यार्थी। ब्राह्मण इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप लोगों के शरीर पर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ नहीं है, और विद्यार्थी इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों के मुख पर विद्यार्थियों के परिश्रम की नहीं राजकीय ऐश्वर्य की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि आप मार्ग भटक गए हैं और आपको भूख भी लगी है। इस ऋषि की कुटिया में जो कुछ भी बना है उसे आप स्वीकार करें। मैं अपने पुत्रों के लिए भोजन बना रही थी, यदि आप उसे ग्रहण करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। अरे, मेरे पुत्र भी आ गए। माता, आपके चार पुत्र हैं? पुत्र तो मेरे पांच हैं। पर ये तो चार ही हैं। पांचवा मेरा परशुराम आश्रम छोड़कर चला गया। चला गया है? कहाँ? पता नहीं कहाँ। अपने पिता से सिद्धांतों पे मतभेद होने के कारण मेरा पुत्र आश्रम छोड़कर कहीं चला गया है। पुत्र, ये अतिथिगण हमारी कुटिया में भोजन करके हमें धन्य करने आए हैं। अहो भाग्य हमारे अतिथिगण, पधारिए। पधारिए ना, आप रुक क्यों गए? अब जबकि आप हमें पहचान ही गई हैं, तो हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्षमा करें माता, हमें ऋषि आश्रम के भोजन का कुछ अधिक चाव नहीं है। हम अपने भवन में बहुत स्वादिष्ट भोजन करते हैं। अच्छा, तो 56 भोग की इच्छा है आपको? 56 भोग? 56 भोग, और वो भी इस कुटिया में? पुत्र कलश, अनामिका से कहो कि सुशीला को ले आए। जी माता श्री। आइए। अनामिका, माता श्री ने सुशीला को बुलाया है। लीजिए, सुशीला आ गई। अब बताइए, कैसा भोजन भाता है आपको? हम समझ नहीं सके। समझने की आवश्यकता नहीं है, बताने की है। देवी सुशीला, हम अपने अतिथियों का सत्कार करना चाहते हैं और इन्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास है।
दर्शन ग्रहण कीजिए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि परशुराम हमारे क्षेत्र से कहीं दूर चला गया। उसे भय होगा कि हमारे सैनिक कहीं उसे पकड़ ना ले। यही लगता है पिताश्री। तुमने आसपास के क्षेत्र में उसे ढूंढने का प्रयत्न किया? हमने प्रयास भी किया और लोगों से पूछताछ भी की, परशुराम का कहीं पता नहीं। बहुत दिनों से वो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ा है। परशुराम तो हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ा, परंतु जो दिखाई पड़ा उससे तो हमारी बुद्धि अभी तक चकराई हुई है। क्या देख लिया तुमने? एक गाय। गाय? हाँ पिताश्री, एक विचित्र गाय, सुशीला नाम है उसका। उससे जो भी मांगा जाए वो पलक झपकते ही प्रस्तुत कर देती है। देवी रेणुका ने हमें बताया कि वो किसी की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। हो ना हो वो कामधेनु की बछिया होगी, वही एक चमत्कारी गाय है जिसमें ये सारे गुण हैं। परंतु पिताश्री, ये कितने दुर्भाग्य का विषय है कि एक ऐसी चमत्कारी गाय एक ऋषि के आश्रम में रंभा रही है। उसे तो हमारे राजभवन में होना चाहिए। उस गाय को हमारे राजभवन की शोभा बनना चाहिए था। तुम चिंता क्यों करते हो पुत्रो, वो अवश्य ही हमारे राजभवन की शोभा बढ़ाएगी। मैं अभी सैनिकों को आज्ञा देता हूं कि वो बलपूर्वक सुशीला को यहां ले आए। मैं अपनी संतान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आगे सेनापति, चिंतित मत होइए ऋषिवर, आज हम आक्रमण करने यहां आश्रम फूंकने नहीं आए हैं। तो फिर क्यों आए हो यहां? आपके पास एक चमत्कारी गाय है ऋषिवर, उसने हमारे राजकुमारों के मन को मोह लिया है। वो गाय आप हमें सौंप दीजिए। मस्तिष्क तो नहीं फिर गया तुम्हारा? इस संसार की हर वो वस्तु जो तुम्हारे राजकुमारों को भा जाएगी तो क्या उनकी हो गई? जाओ जाओ और जाके कह दो अपने राजकुमारों को कि मैं किसी भी मूल्य पर ये गाय उन्हें नहीं दूंगा। यदि आप उसे किसी भी मूल्य पर नहीं देंगे तो हम उसे बलपूर्वक ले जाएंगे। यह अन्याय मत कीजिए सेनापति, मत कीजिए। जाने गाय खोल लो। छोड़ दो इसे, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। छोड़ दो इसे, हट जाओ। छोड़ दो इसे, मैं कहता हूँ हट जाओ। धूर्त, एक कन्या से ध्रुव व्यवहार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? आज पहली बार मुझे आभास हुआ है अपने पुत्र के कथन के औचित्य का। वो सत्य कहता था, कभी कभी शस्त्र उठाना ही अहिंसा का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। जाओ, चले जाओ यहां से। हट, चले जाओ।
मुझे तुम्हारा ठिकाना अनामिका ने बताया। मैं तुमसे मिलना चाहता था तो मुझे बुलवा लिया होता। नहीं पुत्र, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, इसलिए स्वयं ही आना चाहता था। आज्ञा पिताश्री। मैं ये कहने आया हूं पुत्र कि भूल यदि बड़ों से भी हो तो उन्हें अपनी भूल सिर झुकाकर मान लेनी चाहिए, और यदि छोटों का विचार तर्क संगत हो तो बड़ों का कर्तव्य है कि उस विचार का आदर करें। पिताश्री मैं ठहरो, मेरी बात पूरी नहीं हुई। पुत्र तुमने अहिंसा और कायरता के मध्य जिस सूक्ष्म अंतर का वर्णन किया था वो मैं अब समझ पाया हूं। तुमने ठीक कहा था पुत्र, अहिंसा यदि शत्रु को कायरता दिखाई देने लगे तो शत्रु का भ्रम तोड़ना अनिवार्य है। मैंने आज अपने सिद्धांत के विपरीत शस्त्र उठा लिया है और मैं उस पर लज्जित नहीं हूं। पिताश्री मुझे हर्ष है कि आपने अपना सिद्धांत बदल दिया। हां पुत्र, जब सेनापति ने अनामी को धक्का दिया तो मुझे विश्वास हो गया कि यदि मैंने अब भी शस्त्र नहीं उठाया तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं अहिंसा के नाम पर नारी पर होने वाला अत्याचार भी चुपचाप सहन कर सकता हूं। पिताश्री तो क्या मैं ये समझ लूं कि अब आप मुझसे पूर्णतया सहमत हैं? मैं सहमत अवश्य हूं, किंतु पूर्णता से नहीं। मेरा अभी यही अटूट विश्वास है पुत्र, यदि शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाए तो भी केवल आत्मरक्षा के लिए उठाना चाहिए। मैं तुम्हारे इस विचार से तनिक भी सहमत नहीं हूं पुत्र, इस शस्त्र का प्रयोग आक्रमण के लिए किया जाए। परंतु पिताश्री कभी कभी आक्रमण ही आत्मरक्षा का सर्वोत्तम उपाय सिद्ध होता है। आक्रमण केवल आक्रमण होता है, और आक्रमण चाहे किसी पर भी हो मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे हर्ष है पिताश्री कि आप मेरे तर्क के महत्व को तो जान गए, एक दिन आप मेरी विचारधारा से भी अवश्य सहमत होंगे। बस शिव शंभो से यही प्रार्थना है कि इसे समझने में अधिक विलंब ना हो। मैं केवल तुम्हारा आभार प्रकट करने आया था पुत्र। सफलता की एक और कहानी सुनाने लौटे हो, भूल मेरी थी, मुझे यह कार्य तुम्हें सौंपना ही नहीं चाहिए था। यह बात नहीं है महाराज, यह सोचकर कि परशुराम आश्रम से जा चुका है और वहां जो लोग हैं वो निशस्त्र हैं। मैं अपने साथ वहां कोई सेना की बड़ी टुकड़ी लेकर नहीं गया था, मेरे साथ केवल 3-4 सैनिक ही थे। तो क्या हुआ, कहते सैनिक पर्याप्त नहीं थे? मैं भी यही समझता था महाराज, किंतु मेरे देखते ही देखते ऋषि जमदग्नि ने शस्त्र उठा लिए। क्या ऋषि जमदग्नि ने शस्त्र उठा लिए? परंतु वो तो इसके विरोधी थे। ये सर्वदा सत्य है महाराज, और इसी विषय को लेकर उनका अपने पुत्र परशुराम के साथ मतभेद भी हुआ था, किंतु मुझे लगता है अब उनके विचारों में परिवर्तन आ चुका है। यह शुभ संकेत नहीं है सेनापति, और इस पर रोकथाम लगाना आवश्यक है। मैं सुशीला को छीनने ऋषि जमदग्नि के आश्रम में स्वयं जाऊंगा। तुम जा सकते हो महाराज। कमल नयन, देखिए जमदग्नि को अपनी भूल का आभास हो गया। हाँ महादेवी, और मुझे स्मरण है कि उनकी इस भूल की ओर सर्वप्रथम आप ही ने संकेत किया था। आपने ये कहा था कि परंपराओं को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। हाँ कमल नयन, मैंने ऐसा इसलिए कहा था
क्योंकि मैं जानती हूँ कि परंपराओं को यदि समय परिस्थिति और तर्क की कसौटी पे ना कसा जाए तो वो मात्र रीति बन के रह जाती हैं। न केवल रीति बनकर महादेवी, वरन उनमें रूढ़िवादिता और कट्टरता का भी समावेश हो जाता है जो मानव की प्रगति के लिए हानिकारक है। महादेवी, सिद्धांतों में लचक होना आवश्यक है। जीवन केवल किसी एक सिद्धांत से नियंत्रित नहीं हो सकता। जीवन के सहस्रों रंग होते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में जीवन के विभिन्न मार्ग होते हैं। आपके शब्द जीवन की सत्य का दर्पण है कमलनयन। सिद्धांतों में लचक होना आवश्यक है। और प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट तभी उत्पन्न होती है महादेवी, जब मानव प्राचीन नगर से हटना नहीं चाहता, जब वो नई विचारधाराओं से भयभीत हो जाता है। महादेवी, मानव जाति को यह समझ लेना चाहिए कि केवल एक ही वस्तु है जो सदा रही थी और सदा रहेगी भी। वो वस्तु ऐसी है जो अमर है, जो अनंत है, और उसका नाम है परिवर्तन। महादेवी, परिवर्तन ही है जो सदैव होता रहा है और सदैव होता भी रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही मानव जाति की प्रगति का रहस्य है। एक लीक चलता नहीं, बदले हर पल रंग, वही सफलता पाए जो चले समय के संग। रीति पकड़ कर मत कभी बैठो कर शांत, परिवर्तन सबसे बड़ा जीवन का सिद्धांत, जीवन का सिद्धांत। जो तूने गाए पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान, धर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़ दान, प्रेम की तू छेड़ दान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान, विष्णु पुरा विष्णु।